हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज है ट्यूसडे, तो आज मैं बनाने जा रही थी टोस्ट बनाने जा रही थी, पनीर और अनियन का टोस्ट सैंडविच। टोस्ट भी नहीं बोलेंगे, सैंडविच भी नहीं बोलेंगे, क्या बोले, सैंडविच, ग्रिल सैंडविच। यस, अनियन और पनीर का ग्रिल सैंडविच बनाने जा रही थी। तो किसी ने मुझे बोला था कि आप अपनी स्टफिंग दे दिखाना सैंडविच की, तो लीजिए जल्दी हो गया, तो मुझे याद आ गया, चलो ठीक है भाई बना रहे हैं तो शेयर भी कर लेते हैं। और टाइम हो गया है अभी 9:15 हो गए हैं, पर गई है अपने पापा के साथ डोगीज को खाना खिलाने, नीरज स्कूल जा चुका है और मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। और दो दिन हो गए सुबह उठाई नहीं जा रहा, विनोद ही उठ रहे हैं सुबह नीरज के लिए स्कूल जाने के लिए। और सुबह उठी तब तो हेडेक मेरा ठीक था, अब फिर पता नहीं क्या हो गया, अब तो बस यही हो रहा कि सर्दियां चली जाए फटाफट से, थोड़ी सी राहत मिल गए। अब मुझे लग रहा है 3-4 दिन जब तक तो ये सर्दी रहेगी ना, मेरा हेडेक भी रहेगा। तो सैंडविच के लिए ना मैंने बहुत मतलब ये ऐसे छोटे छोटे अनियन कट कर लिए हैं और इनमें ही मैं डालूंगी हरी मिर्ची और बहुत ज्यादा ये इसमें मैं उसमें चोपर में नहीं किया, मैंने इसी में ऐसे ही कट कर लिया। एक अनियन करना था, वो इस तरह का करना था मुझे, इसीलिए मैंने इसे कट किया है। तो चलिए बाकी मैं अपनी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, आप देखिए। ब्रेकफास्ट मेरा हो गया है रेडी, तो आज बने हैं सैंडविच और काफ़ी टेस्टी है लगता है ये। और सुबह प्रोटीन होना चाहिए, अगर आप एग नहीं खाते हैं तो प्रोटीन का ये वाला ब्रेकफास्ट आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि आप अगर सुबह प्रोटीन खाते हैं तो दिन भर आपका एनर्जी रहती है। और उसके साथ है चाय, अगर आप चाय अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट मुझे चाय चाहिए होती है। और स्पेशली कुछ ऐसा अगर बनता है ना सैंडविच वगैरह, कुछ ब्रेड का या ऑमलेट वगैरह, तो उसके साथ में चाय मस्ट होती है। और आजकल जो मेरा मन करता है ना खाने का वो है केचप, तो केचप भी मैं आजकल बहुत खाने लगी हूँ, अदरवाइज़ मैं कभी नहीं खाती थी कभी भी, बट आजकल पता नहीं क्या हो रखा है। तो मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। तो फ्रेंड मैंने विनोद का तो ब्रेकफास्ट दे दिया है, बट मेरा भी पेंडिंग है, क्योंकि अभी इस टाइम पे विनोद परे को नहला रहे होते हैं और उनका ब्रेकफास्ट हो चुका है तो वो नहाने चले गए, और मेरे पास अभी बस इतना ही टाइम है कि मैं उनका लंच प्रिपेयर कर दूँ। पहले मैंने सोचा था कि नहीं करूँगी क्योंकि हेडेक था, तो फिर मुझे लगा नहीं यार सारा दिन कैसे जाएगा, तो मैंने सोचा कि फटाफट से चलो आके क्लीन कर देती हूँ, सॉरी लंच प्रिपेयर कर देती हूँ। तो थोड़ा सा मैं किचन को भी समेट दिया है थोड़ा थोड़ा, ताकि मुझे जो काम करने का स्पेस है वो मिल जाए, और अगर साथ के साथ करते रहते हैं ना तो थोड़ा सा स्पेस निकल आता है और काम जल्दी भी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे विनोद के लंच के लिए पनीर भुर्जी बना रही हूँ, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बना रही हूँ। और मैंने अनियन वगैरह कट कर लिए हैं, स्लैब थोड़ा सा क्लीन कर लिया और पनीर थोड़ा ही बचा हुआ था, तो कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास दूसरी सब्जी बनाने का, तो मैं सोचा पनीर भुर्जी ही बना देती हूँ। और टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही, बिल्कुल सिंपल से डालूंगी।
तो यार बस ये था मेरे को कि बाहर का खाना खाएंगे तो बेटर है कि मैं कुछ भी बना के दे दूँ घर से। अगर आप थोड़ा सा ही बना के दे दोगे ना तो वो भी मतलब ठीक हो जाता है। और विनोद को तो बाहर का खाना पसंद नहीं है, मजबूरी होती है उनके बाहर का खाना खाना। और यहाँ पे मेरा जो ऑयल है वो गर्म हो गया है, मैंने जीरा डाल दिया है और इसमें बाकी कुछ भी नहीं डाल रही हूँ मैं। और जीरा जब तड़क जाएगा तो मैंने जो अनियन, एक सिर्फ एक ही अनियन काटा था, थोड़ा सा मोटा मोटा चॉप कर लिया था मैंने उसको, वो डाल दूंगी। और साथ में डाल दूंगी मैं ग्रीन चिली एक, इसको भी थोड़ा सा मोटा सा काट कट करके रख दूंगी। और जब ये अनियन मेरा पक जाएगा तो इसको मैं पूरा नहीं पका रही हूँ, हल्का सा पकाऊंगी। और इसमें मैं डाल दूंगी फिर हल्दी वगैरह। और अगर आप अनियन जब पका रहा हो तो उसमें हल्दी डालते ना तो उससे सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। और ग्रीन चिली मैंने कट करके डाल दी है। और अगर हमारे पास वो धनिया हो तो उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है, बट मेरे पास अभी है नहीं, तो आज बिल्कुल ही सिंपल सी सब्ज़ी है। पता नहीं विनोद क्या कहेंगे, बट जो भी है ठीक है, घर का हो जाएगा तो विनोद को तो बस उसी से सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि घर का है। तो मैंने यहाँ पे हल्दी डाल दी और अब हल्दी डाल के मैं इसको मिक्स कर दूँगी और इसको कुछ सेकंड के लिए इसको पका लूँगी। उसके बाद जो बाकी के सारे मसाले हैं वो ऐड कर देने हैं। तो अगर ये अनियन को थोड़ा सा हम कच्चा रखते हैं ना पनीर भुर्जी में, तो मतलब हमें तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये 1 मिनट के मैंने पका लिया और जो मेरा पनीर था वो अब मैं डाल देती हूँ। और इसके बाद पनीर के ऊपर ही मैं मतलब बाकी सारे मसाले डाल दूँगी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक एज़ पर टेस्ट। और फिर इसको पकाना पड़ेगा 4 से 5 मिनट के लिए, क्योंकि जो पनीर होता है ना वो थोड़ा सा पानी छोड़ देता है और जब तक पानी नहीं सूखेगा तो उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए इसको पकाना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर शिमला मिर्च हो इसके साथ तो मज़ा आ जाता है। शायद मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है आपके साथ पनीर भुर्जी, बट ठीक है यार, जैसा है जो है पका लेते हैं, बस यही होना चाहिए। और मेरे हेडेक का तो यार पता नहीं क्या है, कब जाके ठीक होगा। एक बार आ जाता है ना तो ये भी मतलब बिल्कुल बस जाता है। वो विनोद कहते हैं तूने ना इसको पाल रखा है, तो सच में मेरा हेडेक तो बिल्कुल पल गया है एकदम अच्छा खासा वाला। पता नहीं बीच में नहीं होता था और अब फिर से स्टार्ट हो गया है होना, तो आई एम सॉरी, बट मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ, क्या करें। आप लोग के साथ ही मतलब मैं शेयर करती हूँ अपनी सब चीज़ें इसीलिए। तो देखिए इसने सब्जी में थोड़ा सा ना पानी सा हो रहा है, तो इसलिए मैंने उसको पकने के लिए छोड़ दिया है। और जब तक मेरा जो सब्ज़ी है वो पकेगी मैं आटा भी कर देती हूँ। और ये टाइम होता है मेरे पास जब विनोद और परी नहा रहे होते हैं तो मैं खाना रेडी कर देती हूँ। तो विनोद का लंच हो रहा है रेडी, रोटी रख दी है मैंने। और वैसे ये वो वाला लंच बॉक्स है जो मैंने मंगवाया था, बहुत जल्दी मैं इसके रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, काफ़ी अच्छा है ये। तो यहाँ पे मैंने सब्जी डाल दी है और रोटियाँ भी विनोद की बन के रेडी हो गई हैं। और लस्सी और दही तो आजकल मतलब अवॉइड किया हुआ है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो दही वगैरह मैं नहीं दे रही हूँ उनको। तो बस रोटियाँ जाएंगी, सब्जी जाएंगी और थोड़ा सा मीठा रख दूंगी, क्योंकि खाने के बाद फिर मीठे की क्रेविंग होती है विनोद को तो बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी आजकल सर्दियाँ चल रही है तो गज्जक और रेवड़ी वगैरह है वहीं मैं रख देती हूँ, क्योंकि घर पे आने के बाद फिर इतना टाइम होता नहीं उनके पास खाने का, तो दोपहर को खा लेते हैं वहाँ बैठे बैठे अपना काम करते रहते हैं। और शाम को भी अगर स्नैक्स वगैरह उनको चाहिए होता है तो वही देती हूँ मैं। और आज स्नैक्स में मैंने थोड़ी सी दाल भिगो रखी थी वो दूंगी। तो बस विनोद का सिंपल सा आज का लंच पैक हो गया है, बाहर से नहीं खाना पड़ेगा उनको, काम चल जाएगा। तो आज मैं मिठाई रख रही हूँ गज्जक और रेवड़ी की जगह, और ये घिया की जो बर्फ़ी है वो विनोद के लिए है, उनको पसंद है। और गाजर की जो बर्फ़ी वो मैंने नीरव के लिए छोड़ दी है, एक ही बची हुई है। और हमारे घर में हाँ देखो, जो घिया की बर्फ़ी है वो विनोद के लिए आई थी, गाजर की नीरव के लिए, और जो कलाकंद आई थिंक वाइट वाला जो होता है वो मेरे लिए। तो इसका एक जो ऊपर एक और है इसका दही के लिए होता है, दही या सैलेड के लिए, तो दोनों में से कोई चीज़ नहीं है। तो बस आज मैं सिंपल सा ही ये दे रही हूँ 3 बॉक्स के साथ, और ये 3 बॉक्स के साथ भी गर्म हो जाता है तो काफ़ी अच्छा है ये। इस तरह से जो पैक करना होता है बस इसको टाइट बंद कर दो। तो हो गया है विनोद का लंच भी रेडी। और विनोद ब्रेकफास्ट में जैसे आज चाय ली थी उन्होंने सैंडविच के साथ, तो उनका जो दूध है वो मैं बाद में गर्म करती हूँ, मतलब दूध वो फिर बाद में पीते हैं। अगर पहले भी पी लेते तो मोस्टली तो वो ट्राई करते हैं कि बाद में पिए, वो कहते हैं खाना फिर, मतलब ऐसे भी बच्चों के साथ भी हमें ऐसे ही करना चाहिए, पहले उनको खाना देना चाहिए और फिर दूध बाद में, ताकि पेट ना भरे। अगर दूध पहले पी लेते हैं तो फिर खाने खाने का मतलब जगह ही नहीं बचती है पेट में। और इस तरह से अगर दूध बनाते हैं हम झाग वाला तो बहुत ही टेस्टी बनता है, सिंपल सा, आप दूध में कुछ भी ना डालें और इस तरह से अगर झाग बना करके दूध देना तो वो बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है। तो पहले के टाइम में मम्मी तो ये सब करके देती थी, आजकल तो वो सब खत्म हो गया। और नीरव को तो मतलब पसंद ही नहीं है, पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या पसंद हो आता है। और बस मैं किचन में आ गई हूँ, विनोद जा चुके हैं, तो
अभी जो ये टाइम मिला है ये है मेरा ब्रेकफास्ट टाइम। विनोद के जाने के बाद ही मोस्टली ऐसे ही होता है, या तो हम इकट्ठा कर लेते हैं या फिर उसके जाने के बाद ही होता है। टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि सब पूरा हर दिन एक जैसा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं होता, कभी कुछ प्रायोरिटीज आ जाती है तो कभी कुछ। तो भी विनोद के जाने के बाद मैंने अपना जो सैंडविच था वो मैंने इसी में छोड़ दिया था, और मैं इसको एक बार दोबारा से गर्म कर लूँगी, और काफ़ी इसी में मतलब अच्छे से गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा और क्रंची हो जाएगा, तो मुझे वही पसंद है। और ये परी आ गई हैं, और परी को लिए लिए करना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम पे परी का फिर है ना सोने का टाइम हो जाता है, ये थोड़ा सा वो चिड़चिड़ी हो जाती है, तो इसलिए मैं उसको लेकर के ही कर लेती हूँ। तो बस मैं अब अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करूँगी। अब मेरा गर्म हो गया सैंडविच, और चाय भी मेरी गर्म हो गई है। तो डियर ये हो गया है मेरा रेडी ब्रेकफास्ट। तो मिस नीलोफर ने बोला था कि आपका जो ब्रेकफास्ट कॉम्बिनेशन होता है वो थोड़ा अजीब सा होता है, तो बस यार मेरा थोड़ा सा ऐसा ही अजीब सा ही चलता है, मुझे ऐसे ही पसंद है। बस चाय के साथ मुझे कुछ भी दे दो, ब्रेड, ऑमलेट, ऑमलेट, सैंडविच, पराठा, कुछ भी, तो मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ, जो मिल जाए जैसा मिल जाए बस खा लेती हूँ। मेरे कुछ ज़्यादा नखरे नहीं होते हैं, या कुछ ऐसी डिमांड नहीं होती कि नहीं ऐसा ही कुछ कुछ खाना है, तो मेरे लिए सब चलता है यार। मैं मतलब क्या बोलूँ, मतलब मैं एडजस्ट तो कर फ्रेंड्स लेती हूँ यार अभी सब टाइम चीज़ों हो में। चुका है 12 o'clock, और परी सो रही है, मैं भी चाय पी के सो रही हूँ क्योंकि अभी मैंने मेडिसिन ली है, और उसके बाद देखती हूँ उठ के कैसा क्या रहता है। और सुबह के बाद फिर मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि परी को लेके हम पार्क चले गए थे, विनोद भी लेट ही गए हैं, परी विनोद के पास ही थी, तो जब तक विनोद थे फिर मैंने कपड़े वगैरह सुखाए और कुछ छोटा मोटा काम किया जल्दी जल्दी, और हेडेक का तो फिर मन भी नहीं किया बाकी शूट करने का, और अब बहुत ज़्यादा हो गया तो मैंने मेडिसिन ले ली है, चाय पी रही हूँ और फिर मैं सो रही हूँ। तो प्लानिंग मेरी कभी कभी भी मेरी प्लानिंग पूरी नहीं होती है, आई डोंट नो क्या है, क्योंकि मुझे था ब्रेकफास्ट टू लंच तक का मैं करूँगी बट नहीं हो पाया। बट यस, आज का लंच मैं ज़रूर शूट करूँगी, उठने के बाद अभी 12 ही बजे हैं, आधा पौना घंटा भी सोऊंगी तो मेरे को रिलैक्स हो जाएगा, और शिखा गई है काम करने के लिए तो वो काम करके चली जाएगी, अभी बर्तन कर रही है, उसके बाद वो अपना जो भी काम है उसका कर लेगी और फिर चली जाएगी, तो मैं तब तक सो लेती हूँ क्योंकि परी भी उठने वाली है। परी सो गई थी, परी को हो गया है 34 मतलब 45 मिनट्स के अराउंड हो गया परी को सोते हुए। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर आपसे एक नए ब्लॉग में मिलूँगी ठीक होके। आई नो कि थोड़ा सा मेरे को भी वियर्ड लगता है कि ऐसे बार बार बोलना कि तो परी उठ जाएगी, तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।